तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आज हम बात करेंगे पांच बड़े इंडियन हीरोज के बारे में जो कि 2024 के आने वाली फिल्मों में विलन के रोल में दिखाई देंगे, जो कि पावरफुल और रूलेस विलन के रोल में नजर आएंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा, पर उससे पहले अभी तक अपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दे ऐसे अमेजिंग वीडियो और फिल्मी अपडेट्स के नोटिफिकेशन के लिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 6 पे अर्जुन कपूर एज डेंजर लंका। अर्जुन कपूर फर्स्ट टाइम निगेटिव रोल में दिखाई देंगे और वो भी सिंघम अगेन मूवी में। ये फिल्म रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स का पार्ट होगा। अर्जुन कपूर का फर्स्ट लुक कुछ टाइम पहले ही रिलीज किया गया था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल और डेंजरस लग रहा है। इस पोस्टर के रिलीज के बाद फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए इस फिल्म को लेके। बात की जाए इस फिल्म के रिलीज डेट की तो ये फिल्म 1 नवंबर 2024 को रिलीज होगी। नंबर 5 पे बॉबी देओल एज औरंगजेब। बॉबी देओल एक बार फिर निगेटिव रोल में दिखाई देंगे। हरी हारा वीर मल्लू एक पीरियोडिक एक्शन एडवेंचर फिल्म होने वाली है। इस फिल्म के लीड में पवन कल्याण के साथ निधि अग्रवाल, नूरा फतेह और बॉबी देओल नजर आएंगे। इस फिल्म में बॉबी देओल औरंगजेब के कैरेक्टर को प्ले करेंगे जो कि अपने प्रजा पर जबरदस्ती हुकूमत करेंगे। इस फिल्म में और भी बड़े बड़े एक्टर देखने को मिल सकते हैं। बात की जाए इस फिल्म के रिलीज डेट की तो ये फिल्म 2024 के एंड तक देखने को मिलेगी। नंबर 4 पे सैफ अली खान एज वैरा। सैफ अली खान एक बार फिर देवाड़ा मूवी में विलन के रोल में दिखाई देंगे। इस फिल्म में सैफ अली खान का लुक काफी ज्यादा खतरनाक और रूडलेस लग रहा है। ये फिल्म एक पीरियोडिक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है। इस फिल्म के लीड में जूनियर एनटीआर के साथ जानवी कपूर और सैफ अली खान निगेटिव रोल में दिखाई देंगे। बात की जाए इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का बजट 300 करोड़ से ऊपर का होगा और ये फिल्म 27 सितंबर 2024 को पैन इंडिया रिलीज होगी। नंबर 3 पे अगेन बॉबी देओल इन कंगुवा। कंगुवा मूवी में बॉबी देओल विलन के रोल में दिखाई देंगे। बॉबी देओल 2024 में तीन बड़ी फिल्मों में विलन के रोल में दिखाई दिए। सबसे पहले एनिमल मूवी में निगेटिव रोल में दिखाई दिए जिससे फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं दो और फिल्मों में देखने के लिए इन्हें। कंगुवा और हरी हीरा वीर मल्लू इन दोनों फिल्मों में मेन विलन के रोल में दिखाई देंगे बॉबी देओल। कंगुवा मूवी एक पीरियोडिक माइटी वॉरियर बेस्ड फिल्म होने वाली है। ये फिल्म पास्ट और प्रेजेंट में होगी। इस फिल्म के लीड में सूर्या के साथ दिशा पाटनी और बॉबी देओल खूंखार विलन के रोल में दिखाई देंगे। बात की जाए इस फिल्म के बजट की तो ये फिल्म भी 300 करोड़ के ऊपर के बजट से तैयार किया जा रहा है और ये फिल्म 10 अक्टूबर 2024 को पैन वर्ल्ड रिलीज होगी। नंबर 2 पे अब तक के सबसे खतरनाक पावरफुल और रूडलेस संजय दत्त। KGF और लियो के बाद एक बार फिर निगेटिव रोल में दिखाई देंगे संजय दत्त डबल आई स्मार्ट में। ये एक साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। इस फिल्म के लीड रोल में रामपुत नैनी के सामने संजय दत्त निगेटिव रोल में दिखाई देंगे। इस फिल्म में संजय दत्त एज ए बिग बुल के रोल में दिखाई देंगे जो कि एक गैंगस्टर होंगे। इस फिल्म में संजय दत्त का लुक और गेटअप काफी ज्यादा डेंजरस और रूडलेस लग रहा है। बात की जाए इस फिल्म के रिलीज डेट की तो ये फिल्म 15 अगस्त 2024 को रिलीज होगी। अब आते हैं नंबर 1 पे फहद फाजिल और भंवर सिंह शेखावत। अब ऐसा मूवी के सक्सेस के बाद फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए इस फिल्म को लेके कि फहद फाजिल को पुष्पा 2 में देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। पुष्पा द राइज मूवी में फहद फाजिल का एक छोटा सा कैमियो पूरे फिल्म को हिला दिया था। पुष्पा द रूल ये फिल्म 2021 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा द राइज का नेक्स्ट पार्ट होगा। इस फिल्म के लीड में अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना और फहद फाजिल निगेटिव रोल में दिखाई देंगे जो कि एक पुलिस ऑफिसर होंगे। इस फिल्म में विजय सेतुपति का कैमियो भी देखने को मिल सकता है। बात की जाए इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का बजट 500 करोड़ से ऊपर का होगा और ये फिल्म 2024 की सेकेंड हाईएस्ट बजट फिल्म होगी और ये फिल्म 6 दिसंबर 2024 को पैन वर्ल्ड रिलीज होगी। आप इनमें से किस विलन के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट करके बताना और जाने से पहले अभी तक अपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही अमेजिंग वीडियो और फिल्मी अपडेट्स के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। राधे राधे।